नमस्कार, सीक्रेट मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। आज हम जानेंगे चाणक्य नीति के कुछ अनमोल विचार जो किसी की भी जिंदगी बदलने की क्षमता रखते हैं। जरूर देखिए। मन में सोचे हुए काम को किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए पूरा कर देना चाहिए। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वो सुखी हो जाता है। हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखें, हम वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं, जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटता है, वो सुखी रहता है। नसीब के सहारे चलने वाले लोग जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। जिसके काम करने में कोई व्यवस्था नहीं, उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। वह चीज जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच के बाहर दिखाई देती है, वह भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं। आचार्य चाणक्य के अनुसार, शेर से एक बात सीखे, बगुले से एक, मुर्गे से चार, कौवे से पांच, कुत्ते से चार और गधे से तीन बात सीखे। शेर से यह बढ़िया बात सीखे कि आप जो भी करना चाहते हो एक दिली से और जबरदस्त प्रयास से करें। बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए, अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करें। मुर्गे की तरह सही समय पर उठे, निडर बने और लड़े, संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बंटवारा करे और अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करे। कौवे से ये पांच बातें सीखे। अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रणय करे, निडरता सीखे, उपयोगी वस्तुओं का संचय करे, सभी ओर दृष्टि घुमाए, दूसरों पर आसानी से विश्वास ना करे। कुत्ते से ये बात सीखे, बहुत भूख हो पर खाने को कुछ ना मिले या कम मिले तो भी संतोष करे। गाड़ी नींद में हो तो भी क्षण में उठ जाए। अपने स्वामी के प्रति बेझिझक ईमानदारी रखे और निडरता रखे। गधे से ये तीन बातें सीखे। अपना बोझा ढोना ना छोड़े, सर्दी गर्मी की चिंता ना करे, सदा संतुष्ट रहे। जो व्यक्ति इन 18 बातों को अपनाएगा, वह जो भी करेगा सफल होगा। हर चीज की अति बुरी होती है, क्योंकि अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण रजाबाली को बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है तो उससे सावधान रहें, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह उससे छुटकारा पाएं। व्यक्ति इन तीन चीजों से संतुष्ट रहे। खुद की पत्नी, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। लेकिन व्यक्ति को इन तीन चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, जो कि है अभ्यास, भगवान का नाम स्मरण और दूसरों की भलाई। हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटाना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे यदि दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। एक समझदार व्यक्ति को कभी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई साधन ना हो, लोगों को किसी बात का डर ना हो, लोगों को किसी बात की शर्म ना हो, जहां बुद्धिमान लोग ना हो और जहां के लोग दान धर्म करना ना जानते हो। विद्या अर्जन करना यह एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान रक्षक एवं हितकारी होती है। इसीलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। जो मेहनती है वो गरीब नहीं हो सकते। हर दम भगवान को याद करते रहने वालों को कभी भी पाप नहीं छू सकता। जो चुप और शांत रहे वो झगड़ों में नहीं पड़ते। जागृत लोग निडर रहते हैं। अच्छा आचरण दुख को मिटाता है, विवेक अज्ञान को नष्ट करता है, जानकारी भय को समाप्त करती है। वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं,
क्रोध के समान अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं, एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं, दया के समान कोई गुण नहीं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं पर आपकी पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले जहर के उस घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है पर अंदर जहर ही जहर है। सबसे ज्यादा दुखदाई बात किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। जो जन्म से अंधे हैं वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना में अधीन है वो भी देख नहीं सकते। घमंडी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है, और जो पैसे के पीछे पड़े हैं उनको उनके कामों में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। नीच लोग दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं और दूसरों के बारे में अपशब्द कहते हैं क्योंकि उनकी कुछ करने की औकात नहीं है। रिश्तेदारों की परख तब करें जब आप किसी मुसीबत में घिरे हो। एक अच्छा दोस्त वही है जो जरूरत पड़ने पर आपके काम आए, या फिर दुर्घटना में आपकी सहायता करे। उस व्यक्ति के लिए पृथ्वी ही स्वर्ग है जिसका पुत्र उसकी बात मानता हो, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा अनुरूप व्यवहार करती है और जिसे अपने धन पर संतोष है। पिता को अपने बच्चों को हमेशा अच्छे बुरे की सीख देनी चाहिए क्योंकि समझदार लोग ही समाज में सम्मान पाते हैं। जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ चलता पेड़ पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल में मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। 5 साल तक पुत्र को लाड़ एवं प्यार से पालन करना चाहिए, 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराए, लेकिन उसके बाद उससे मित्र के समान व्यवहार करें क्योंकि आपके बालिक पुत्र की आपके और आप उसके सबसे अच्छे मित्र होते हैं। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, दूसरा बालक उसके माँ बाप को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। तो ये थे आचार्य चाणक्य के कुछ अमूल्य विचार जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई, और प्लीज 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 इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोज को भी आप एंजॉय कर पाए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।